एक पैरों से दिव्यांग 10 साल की राजनंदिनी अपने भाई की खुशी के लिए 85 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा गरीबनाथ के दर्शन करने पहुंचती है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ के धाम में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां अपने भाई के खुशहाली के लिए बहन ने एक पैर पर 85 किलोमीटर की दूरी तय कर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में मनोकामना महादेव पर जलाभिषेक किया। भाई बहन के इस प्रेम को देखकर कांवड़िया से लेकर शहर के लोग हर कोई भक्ति भाव विभोर हो गए थे। अभी सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले के बाबा गरीबनाथ धाम में आस्था और भक्ति के रस में लोग डूबे हुए हैं, जहां से ये अनोखी तस्वीर सामने आई है। बिहार के हाजीपुर की एक पैर से दिव्यांग राजनंदिनी ने अपने भाई की खुशहाली के लिए मन्नत मांगने 85 किलोमीटर दूर से जलबोझी कर एक पैर से ही बाबा नगरी पहुंची और फिर बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया और आशीर्वाद ली। बता दें कि आईपीएस बनने का सपना लिए दिव्यांग राजनंदिनी का एक पैर है, किंतु जज्बा जो है वो कम नहीं है। दरअसल वैशाली जिले के हाजीपुर की रहने वाली 10 वर्षीय राजनंदिनी अपने पिता के साथ बाबा गरीबनाथ धाम में पहुंची, जहां बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया और कहा कि अपने भाई के लिए मन्नत मांगी थी कि ठीक भाई हो जाएगा तो यहाँ पर बाबा को आकर जलाभिषेक करूँगी। आज बहुत खुशी हूँ राजनंदिनी की इस अद्भुत हौसले को देखकर। पूरा कवड़िया पथ और बाबा मंदिर के पास लोग देखते दंग रह गए। बता दें कि राजनंदिनी के भाई का हृदय का ऑपरेशन हुआ था और सुरक्षित ऑपरेशन को लेकर उसने बाबा गरीबनाथ से मन्नत मांगी थी कि भाई ठीक हो जाएगा तो पहले जाकर उत्तरावीहिनी गंगा घाट से गंगा जल लेकर जाऊंगी और बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करूंगी। फिर अब जब भाई के ठीक होने के बाद वह एक पांव पर पहुंची और बाबा गरीबनाथ के मनोकामना महादेव पर जलाभिषेक करके मन्नत मांगी और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। भाई बहन के इस प्रेम को लोग सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बहन की ऐसी जोड़ी भगवान हर किसी को दे। चूंकि एक बहन जो 10 साल की है, एक पैरों से दिव्यांग है, बावजूद भी 85 किलोमीटर का सफर तय कर पैदल चलकर एक पैरों के सहारे बाबा से किया वादा को पूरा करने के लिए जाती है, बाबा को जल चढ़ाती है और कहती है कि जो मनोकामना हमने पिछली बार मांगी थी वो पूरा हो गया, भाई का ऑपरेशन सफल हो गया। तो ऐसे में मेरा कर्तव्य बनता है कि बाबा से किया हुआ वादा को हम पूरा करें और राजनंदिनी उस वादे को पूरा करने के लिए 85 किलोमीटर एक पैरों के सहारे पैदल चलकर बाबा नगरी पहुंचती है और वहां पे जल चढ़ाती है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। राजनंदिनी जिधर से गुजरी लोगों का हुजूम देखने वालों का लगता गया, हर व्यक्ति राजनंदिनी को सलाम कर रहा था। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।